नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। धार के निसरपुर के बजरी खेरा गांव में एक रोमांचित कर देने वाला नजारा देखने को मिला। यहां रहने वाले किसान किरण गिरी को चार दिन पहले अपने खेत में दो बच्चे नजर आए। उन्हें लगा कि ये बिल्ली के बच्चे हैं और इस कारण वो उसे अपने साथ लेकर आ गए। उन्हें यह नहीं पता था कि जिसे वो दूध पिला रहे हैं वो बिल्ली के नहीं बल्कि तेंदुए के बच्चे हैं। किसान ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी, लेकिन उधर से भी जंगली बिल्ली का बच्चा होने की बात कह दी गई। इस पर किसान उन्हें अपने घर ले गया और तीन दिनों तक उनकर जमकर खातिरदारी की। दूध पिलाया, रोज नहलाता और ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े भी उड़ाए। जब खुलासा हुआ तो उनके होश उड़ गए। जिन्हें वो खेत से लेकर आया वो तेंदुए के बच्चे थे। चार दिन पहले बाजरी खेड़ा के रहने वाले उन्हें वन विभाग को सूचना दी थी कि गन्ने के खेत में दो बच्चे मिले हैं, वो तेंदुए के बच्चे जैसे नजर आ रहे हैं। वन विभाग की ओर से जंगली बिल्ली के बच्चे होने की बात कही गई। बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि किसान उन्हें अपने साथ ले आया। तीन दिन बाद बच्चे गुर्राने लगे तो किसान को शक हुआ कि ये बिल्ली के बच्चे नहीं हो सकते। गांव के लोगों से बात की तो ग्रामीणों ने भी तेंदुए के बच्चे होने की आशंका जताई। फिर किसान उसे लेकर निसरपुर चौकी पहुंच गया। ASI आशुतोष जोशी ने वन विभाग को सूचना दी। निसरपुर वन विभाग की चौकी पर GS सोलंकी वनपाल को पुलिस ने इन्हें सुपुर्द कर दिया। आखिर में वन विभाग के अफसर ने भी माना कि ये बच्चे तेंदुए के ही थे। अरे पकड़ते क्यों नहीं, लोगों को चमकाते हैं, शेर नहीं पकड़ रहे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।